ईस्ट अफ्रीका कप टी20 सीरीज जो है वो आज से शुरू हुआ। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर युगांडा, तंजानिया, रवांडा और केनिया, ये चार टीमें खेलने वाली थी, लेकिन केनिया ने कहीं ना कहीं टूर्नामेंट से नाम वापस लिया कुछ ही वक्त पहले। और सबसे बड़ा उसके पीछे जो रीजन रहा हुआ है, कुछ प्लेयर्स की इंजरी और कहीं ना कहीं को ट्रैवल इशूज को लेकर कहीं ना कहीं अपना नाम जो है वापस ले लिया, लेकिन अब ये बन गया है ट्राई सीरीज। तो ट्राई सीरीज इसकी बात करें तो पहला मैच आज अभी कंप्लीट हुआ है रवांडा वर्सेस तंजानिया के बीच में। और यहाँ पर कहना होगा कि बारिश की वजह से 13 ओवर का मैच तो जरूर हुआ, लेकिन खूब एक्शन देखने को जरूर मिला, भले 13 ओवर का गेम था। नहीं जरूर, और खासकर एक टीम की तरफ से हमें ज्यादा एक्शन देखने को मिला, यानी कि वे बेटर क्रिकेट खेला उन्होंने, रवांडा से ज्यादा बेहतर क्रिकेट यहां खेला तंजानिया ने। स्कोर भी उन्होंने काफी अच्छे किए, पावर हिटिंग की, 13 ओवरों में काफी अच्छा स्कोर उन्होंने टांग दिया। अगर 5 ओवर को देखें आप तो 52 रन पर 2 विकेट थे शुरू के 5 ओवर में, हाई रन रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे, मुश्किल हो रहा था यहां पर रोक पाना रवांडा के बॉलर्स के लिए, तंजानिया के बैट्समैन को। पर उसके बाद अगर देखेंगे आप उस मिड फेस की, क्या 13 ओवर तक की अगर हम उसके बाद बात करें, 8 ओवर जो आखिरी में बचे थे वहां पर और ज्यादा स्कोर पड़ा। यहां पर थोड़ा कम कर सकते थे, कमी आ सकती थी, विकेट गिर सकते थे, पर यहां ऐसा हुआ नहीं। भारी भरकम यहां 95 रन बने और 2 विकेट इस बीच टीम ने गंवा दिए और बहुत ही कम विकेट गिरे, लेकिन तेजी इतनी रही कि 147 रन 13 ओवर में टीम पहुंच गई और बहुत स्ट्रगल करती हुई नजर नहीं आई तंजानिया, ना करवा पाई रवांडा। बिल्कुल, जबकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, तंजानिया 13 रन के अंदर 2 विकेट अपने खो चुका था जब तंजानिया बैटिंग करने लगा, उसके बावजूद भी उन्होंने 13 ओवर में 147 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। अब सबसे बड़ी बात यहाँ है कि 2 ही स्टार प्लेयर रहे यहाँ तंजानिया के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ही आतिशी भरी इनिंग खेली है, वो एक तो थे कप्तान और एक थे विकेट कीपर। जी हाँ, कप्तान और विकेट कीपर दोनों ने यहाँ पर जिम्मेदारी संभाली। एंड किस तरह की इनिंग रही उन दोनों की? बहुत बहुत एक्शन पैक्ड इनिंग रही है और बहुत ही शानदार। आप देखिए अभी पटवा को जिन्होंने 8 चौके लगाए, 3-3 छक्के भी उन्होंने मारे, 68 रन की उन्होंने पारी खेली। वहीं पर अमर रजीवन, उन्होंने 61 रन बनाए, 3 छक्के उन्होंने भी लगाए हैं, 6 चौके भी उन्होंने मारे हैं, जबरदस्त नॉट आउट गए हैं। खैर, वो तो बहुत ही बेहद शानदार 61 रन की, और किसी से ऐसा कोई साथ मिला नहीं, कोई डबल डिजिट भी नहीं पहुंच पाया। बाकी जो 4 विकेट गिरे हैं टीम की तरफ से, 3 विकेट गिरे हैं, 1 विकेट तो आपके अभी पटवा का ही गिरा था। बहुत एक्शन रहा है और रवांडा के बॉलर्स के लिए ज्यादा कुछ यहाँ पर रहा नहीं, अगर हम 13 ओवर के मैच की हम बात करें, तंजानिया की इनिंग की बात। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 22 डॉट बॉल्स उन्होंने खेली इन 78 गेंदों में 13 ओवर में, तो कहीं ना कहीं शायद इसे घटकर 15 करीब होना चाहिए था, लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो पूरा ओपनर्स को जाता है, जहां पर 13 रन के अंदर 2 विकेट गिर गए, उन्हीं की बदौलत कहीं ना कहीं वो डॉट बॉल थोड़ी सी ज्यादा हो गई। लेकिन अभी पटवा और राजीवन ने बहुत कवर किया इसको, आपको बता दें अभी पटवा की T20I में 3री 50 है और राजीवन की जो है वो 2री 50 है T20I में तंजानिया के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पर बॉल डिपार्टमेंट की बात करें तो रवांडा के लिए इस तूफानी बैटिंग जो हुई तंजानिया की, उसके बीच में भी उनके कौन से बॉलर्स बाजी मार के ले गए? जरूर देखिए, वान मितारी जी हाँ, जो कि उन्होंने 3 ओवर में 39 रन दिए, 3 विकेट जरूर निकाले, हवाई फायर की वजह से 3 विकेट यहाँ मिले हैं, जो बैट्समैन बहुत शॉट्स खेल रहे थे, मारने के लिए जा रहे हैं, विकेट उन्हें मिले। और जैपी जी हाँ, 2 ओवर में 11 रन 1 विकेट उन्होंने भी निकाला। और एक्स्ट्रास की यहाँ पर थोड़ा 6 वाइटे 2 नो बॉल एक्स्ट्रास में गए, 13 ओवर का मैच था तो 3 या 2 या 4 एक्स्ट्रास होते तो बेहतर होता, कंट्रोल करना चाहिए बॉलर्स लोगों को, जितना हो सके कंट्रोल करिए आप अपनी तरफ से, आपने अपनी तरफ बारिश की वजह से तो वहां पर फर्स्ट हाफ में ही कहीं ना कहीं गाड़ी बहुत ही ज्यादा रुक गई थी, क्योंकि स्कोर बहुत ज्यादा था और शुरुआत बहुत ही खराब। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये एक अप्रोच शायद लेकर उतरना चाहते थे, लेकिन विकेट गिर गया तो उसके बाद शायद गाड़ी थम गई। यहाँ पर 28 रन बने 5 ओवर में, 2 विकेट गवा दिए, पर यहाँ पर कोई एक बैट्समैन अगर क्लिक कर जाता या हो पाता कि वो अपनी इनिंग ऐसा खेल पाते तो हमें दिखता कि हम तंजानिया की तरह 52, 55, 56 रन बना पाते, लेकिन 28 रन बने, 2 विकेट टीम ने जरूर गवा दिए। उसके बाद जो अगला फेस आया, यानी कि आप एंड के फेस में जाएंगे, 8 ओवर में यहाँ रन बन रहे थे, 63 रन किए, लेकिन पहले ही इतना कम हो गया, 5 ओवर में 2 विकेट गिरे यहाँ पर और टीम 81/4 आफ्टर 13 ओवर्स तक पहुंच पाई। बिल्कुल, तो क्लियर है कि टीम 100 रन भी पहुंच नहीं पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट हाफ में 28 पे 2 थे 5 ओवर में, लेकिन उसके बावजूद भी एंड उसके बाद मेरे ख्याल से 8 ओवर बचते हैं, यानी 48 बॉलों में भी 63 रन जो टीम ने बनाए हैं वो भी कहीं ना कहीं काफी कम रहे। ऐसा नहीं कि उनकी बैटिंग खत्म हो गई थी, सिर्फ 4 विकेट मेरे ख्याल से उनकी भी गिरे, बैटिंग अभी भी थी, उस हिसाब से भी सेकंड हाफ
हाफ में भी वो जो एक रिकवरी होनी चाहिए थी पावर प्ले के बाद से वो देखने को रवांडा के बैट्समैन की तरफ से मिली नहीं। ऊपर से 35 डॉट बॉल ने और उनका हेल्प किया, 35 डॉट बॉल उन्होंने खेल दी 147 चेस करते हुए और सिर्फ 13 का था कि कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स यहाँ पर 5.5 ओवर करीब करीब 6 ओवर करीब करीब आपने डॉट बॉल्स खेल दिए, 13 ओवर में से आप चेस कर रहे 140, वहीं पर कहानी पूरी पता चल जाती है। लेकिन यार ये 84 में भी मेरे ख्याल से पहुंच नहीं पाते अगर उन बैट्समैन का योगदान नहीं होता। कौन से रहे विल्सन नी, जी हाँ नी, जिन्होंने 37 रन बनाए 35 बॉलों में। ये यहाँ पर अगर इन्होंने भी डॉट बॉल्स बहुत खेली, बिल्कुल आप 18-19 बॉलें लेते और ये 35-37 रन बनाते तो शायद टीम के और ज़्यादा कंट्रीब्यूट हो पाता, टीम 100 क्रॉस कर पाती। पर यहाँ पर ये भी नहीं हुआ। कप्तान लिंटन क्लिंटन रुबागुमिया, उन्होंने भी 13 रन बनाए 23 बॉलों में और स्ट्रगल कर रही थी रवांडा की बैटिंग। बहुत ही पुअर बैटिंग रही है अगर आज हम बात करें रवांडा की। तंजानिया का जो डिस्प्ले रहा है उसके मुकाबले कहीं से भी अच्छी नज़र नहीं आई रवांडा की पूरी बैटिंग लाइन। जी हाँ, उसके बाद अगर बात करें तो येरेंडे कैनिया बॉलिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने 3 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट निकाले और संजय ठाकुर ने 3 ओवर में सिर्फ और 9 रन और कोई विकेट उनके बल्ले हाथ में नहीं चढ़ा, लेकिन उन्होंने बॉलिंग बहुत ज़्यादा किफायती करी है। तो ओवरऑल सिर्फ 6 एक्स्ट्रास दिए हैं यहाँ पर, एन एक्स्ट्रास के लिए 13 ओवर पूरे डाले हैं, 6 एक्स्ट्रास सही है? नहीं जरूर, देखिए आपने चेस करने के लिए आपने रोक दिया है टीम को तो ये बेटर है। अगर आप ये अगर और ज्यादा होता आप उसमें खुद में ही बॉलर के अंदर होना चाहिए कि हम कम करेंगे आगे चलकर वो बॉलर के ऊपर सेंसर पर छह बहुत हद तक बेहद सही है। अगर हम छह की बात करें कम अगर आप करना चाहें तो ये बॉलर को दाद देना होगा कि आप कम करिए जितना हो सके, एक्स्ट्राज में तो कंट्रोल हो तो बेहतर ही है। बिल्कुल, तो 66 रन से तंजानिया ने ईस्ट अफ्रीका T20I सीरीज का पहला मैच जो है वो जीत लिया है रवांडा को हरा के। काफी क्लिनिकल और कंफर्टेबल विन यहाँ पर देखने को मिला जो उस मैच में जो मैच बारिश की वजह से 13-13 ओवर का कर दिया गया था। आज ही दूसरा मैच भी है इन टीमों के खिलाफ, क्या होगा उसकी भी अनालिसिस और अपडेट्स लेकर आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। लेकिन जैसे हमने कम्युनिटी में बताया था, आप सबने पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा वो उनको वापस से बता दे कि ये जो मैचेस हैं ये एक तरह से बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये सब टीमें जो है अफ्रीका रीजनल फाइनल्स में भिड़ने वाली है और ऊपर से कि आपको T20I रैंकिंग्स में काफी हेल्प होगा, खास करके रवांडा के लिए। रवांडा 60 करीब पे है, अगर वो किसी तंजानिया और युगांडा को एक आध मैच भी मैचेस हारने में ज्यादा से ज्यादा कामयाब रहती है तो उनके रैंकिंग्स के लिए काफी बेहतर होगा और वो तंजानिया और युगांडा में भी अप्लाई जरूर होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं कि सेकंड मैच में रवांडा वापसी कर पाता है या फिर नहीं। प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए जाइए और लगातार चैनल सब्सक्राइब करिए दिल्ली क्रिकेट चैनल।